तो बच्चा के अंदर एक अखबार ने दारू देवबंद की
कहा था कि ये वही मदरसा है जिसकी वजह से हमें बरसगीर छोड़ना पड़ा। मेरे भाइयों, जमीयत अल-इस्लाम यो नकाबी इत्मीनान जमात है जिसके लिए रियासत अली बजनोरी ने कहा कि इस वादी कुल का हजारा खुशी जहां कहलाया है, इस वादी कुल का हजारा जहां कहलाया है, जो हिंद यहां से उठा है वो तीन मुहा कहलाया है। इस बंद में जुनू के दीवाने हर रात से पहुंचे यहां तक है, आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक। सौ बार सवार आए हमने इस देश के गेस्ट में, पर हमको ये अहल जुनू बतलाएंगे क्या हम दिया आलम को। जमीयत अल-इस्लाम यो नकाबी इत्मीनान जमात है कि जब कारगियानियत, जब संधि के सर मुर्तद जवान कज़्ज़ाब हिंदुस्तान चेहरे शैतान बाकी कुरान मसाल कुरान दुश्मन इंसानियत व इंसान मिर्जा कारगियानी जन्न मकानी मनहूस मरदूस मुर्तद ने नबूवत का दावा किया, तो उस वक्त की जोबन के सबूत, उस वक्त की जमीयत अल-इस्लाम क्या ताबीन, उसी वक्त की जमीयत अल-इस्लाम क्या ताबीन, इस फिरने के सर को भी के लिए मैदान उतर आए। उस वक्त की सब कारगियान में किया कश्मीर लगे हुए थे, लेकिन जमीयत अल-इस्लाम क्या ताबीन थी उनका मुकाबला करने लगे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारे दाग मंत्र एक ऐसा दाग है जिसको सात समंदर के पानी से धोया जाए फिर भी वो दाग मान नहीं पड़ सकता। वो ये दाग बोया वो दाग ये है कि एक आदमी नबूवत का दावा करे, वो भी कादियान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नबूवत का दावा करे, वो अपनी मौत आप मर जाए, तो ये एक बहुत बड़ा दाग है तुम्हारे ऊपर। फिर जब हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इस काफिले को लेकर आगे बढ़ते हैं, लाहौर के अंदर जमीयत अल-इस्लाम के ताबीन पर गोलियां बज रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, मां के दामन चढ़ रहे हैं, सीधे छंदी हो रहे हैं, तो उस वक्त भी अताउल्लाह शाह बुखारी ने यही पैगाम दिया था कि दुश्मन से कहो अपना कर्तश चाहे तो दोबारा भर लाए, दुश्मन से कहो अपना कर्तश चाहे तो दोबारा भर लाए। इस सिंह करोड़ों सीने हैं, उस सिंह का अगर है तीर बहुत। मेरे साथियों, उसने यह भी पैगाम दिया था कि तुम्हारे सीने में दिल कहो ना जो हो सके तो उसी से पूछो कि कौन से जो किया है तुमने, तुम ही कहो ना रवा नहीं है जो हमने समझा जो हमने देखा। फितरत बिखरा फूल थे, कलम है कासिर ज़बान है आजिज़, अभी मुनासिब फिजा नहीं है, अभी मुनासिब फिजा नहीं है, लेकिन फिजा मुनासिब तब बनी जब 1974 के अंदर जमीयत अल-इस्लाम के अकाबरीन ने मुफ्ती महमूद ने असेंबली के अंदर कादियानियत के बदबूदार नाश के अंदर आखिरी गिर ठोक कर उनको पाकिस्तान की सरजमीन पर है मुस्लिम अखिलियत करार दे दिया। फिर उसके बाद इतना कादियानियत ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कादियानियत की बदबूदार नाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया, तो यह भी जमीयत अल-इस्लाम के तामीन की तारीख है। मेरे भाइयों, जब हमारे अकाबरीन की तारीख किया है तो आज उम्मत मुस्लिमा की हालत को लेकर जमीयत अल-इस्लाम के कारकुनों के ऊपर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है आप उसका खूब अंदाजा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर हिटलर 20 लाख इंसान को कत्ल कर सकता है उसको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। अगर पहली जंग के अजीम के अंदर माफियत की बुनियाद पर लड़ी गई जंग के अंदर अगर 1 करोड़ इंसान का कत्ल होता है उनको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। अगर दूसरी जंग के अजीम के अंदर इंसान के 1 करोड़ से ज्यादा इंसान का कत्ल होता है कोई उनको दहशतगर्द नहीं कहता। लेकिन अगर कोई एक मुसलमान इस्लाम की बात करता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाए, हम इस मुल्क में इस्लाम चाहते हैं, तो उसको तालिबान का नाम देते हैं। मेरे भाइयों, जब आपने देखा सवाल के अंदर एक जेली वीडियो के जरिए जिसको पूरी मीडिया ने तस्दीक कर दिया कि यह जेली वीडियो है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरा वायरल कर दिया, गली गली रिंदे नगर नगर में चौराहों पर चौकों पर पूरे कराची के अंदर काले बैनर लगा के यही लगाया गया कि हमें इस्लाम नहीं चाहिए, हमें कौन वाला इस्लाम नहीं चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह कि हमें कौन वाला इस्लाम नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, जब जर्मनी के अंदर एक अदालत के अंदर सिर्फ स्टार्ट पर ही की जुर्म में एक मुसलमान हामिल औरत को खंजर उनके पेट दर पे वार करके शहीद किया जाता है, तो उस वक्त हमारे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारे हुक्मरान है या हमारे जितने भी कारण विकार हैं सब क्यों खामोश हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस वक्त जमीन तलबा इस्लाम की जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो पहले से ज्यादा जिम्मेदारी, तो जो हमारे जिले की जमीन तलबा इस्लाम काम कर रही है हम इस पर बहुत इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मरकजी क्यादत है उसके सामने अपनी हालत को मैं पेश कर सकता हूँ कि ना उम्मीद ना हो हमसे ऐसा है फरजाना कंपोस्ट है लेकिन बेजोक नहीं रही, हम कंपोस्ट हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन तलबा इस्लाम के कारकुनों के अंदर इतनी शराइत है कि वो दो तहरीके तालिबान जैसी तहरीके पाकिस्तान के अंदर बर्पा कर सकती है। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम भी जमीन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से जितने भी साथ हैं क्या बात करने के लिए हम काम करें, जमीन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से काम करें। और सेना मुतासरी के बारे में जो सेमिनार है उसके बारे में फकत मैं यही कह सकता हूँ कि खंजर चले किसी पे रखते हैं हम अमीर। तो जमीन तलबा इस्लाम वालों ने यही देखा कि वो सेना मुतासरी है, उनके दर्द में उनके दुख दर्द में शरीक होकर उन्होंने यही कहा कि खंजर चले किसी पे बरतते हैं हम। आखिर में अल्लाह मेरे पास एक शेर शेर करके मैं अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। सूरत शमशीर है दस्ते कज़ाबे वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ाबे वो कौम, करती है जो हर घड़ी अपने अमल का हिसाब, जिसमें न हो इंकिलाब मौत है वो जिंदगी,
खिलाफ मौत है वो जिंदगी रूह उमर की है आप कश्मकश।